झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री राजपली वार व वेबसाइट हैक कर लिया गया है। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने पहले तो मंत्री जी का वेबसाइट हैक कर लिया, फिर इस वेबसाइट पर भारत विरोधी नारे, तस्वीरें एवं आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी की गई। इस खबर की सूचना जब मंत्री राज परिवार को टेलीफोन से मिली तो राज परिवार ने इसकी लिखित सूचना देवघर के SP नरेंद्र कुमार सिंह को दी, जिसके बाद साइबर सेल से इस वेबसाइट को लॉक करा दिया गया। इस हैकिंग प्रकरण में मंत्री राज परिवार से पूछा गया तो उनका कहना था कि पिछले 2 सालों से यह वेबसाइट चल रहा था, लेकिन तकरीबन 1.5 साल से यह लगभग निष्क्रिय था और इस पर कोई भी अपडेट नहीं किया जा रहा था। लेकिन अचानक यह सूचना मिली कि वेबसाइट को हैक करके इस पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए हैं, जिसके बाद SP को कार्रवाई के लिए लिखा गया। क्या जानकारी है और फिर कार्रवाई के लिए कहा? कल हमको दिन में लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास फोन के माध्यम से जानकारी मिली कि मेरे वेबसाइट पर कुछ आपत्तिजनक देश विरोधी इस प्रकार का पोस्ट किया गया। मैंने तुरंत उसका तहकीकात करवाया और तुरंत साइबर थाने में इसकी सूचना दी, और जो लड़का मेरा वेबसाइट चलाता था उसने लिखित रूप से थाने में शिकायत की है, और विश्वास है कि इसका जो भी दोषी होगा इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही होगी, और इसका ये इस प्रकार का काम करने वाला, घृणित काम करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो सामने आएगा। और ये कोई हरकत है, किसी ने कोई किसी प्रकार का हरकत किया है, या तो सीमा के उस पार से भी हो सकता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, पर इस प्रकार की किसी हरकत से भारत का कोई भी नौजवान, भारत का कोई भी जवान डरने वाला नहीं है। हम लोग मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। तो ये वेबसाइट वर्किंग में था ये? नहीं, लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्व ये बंद है।